नमस्कार, श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज। मैं आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट का प्रथम टॉपिक बीजधारी पादपों के लक्षण के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि हमें विदित है कि बीजधारी पादप स्पर्मेटोफाइटा विभाग के अंतर्गत आते हैं। ये स्पर्मेटोफाइटा यह स्पर्मा और फाइटोन दो शब्दों से मिले से मिलकर बनना है। स्पर्मा मतलब सीड और फाइटोन मतलब स्टडी। इस स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत हम ऐसे पादपों का वर्धन अध्ययन करते हैं जिसके अंदर बीज उपस्थित होते हैं। अब इस स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को विभाग को हम दो सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस्पर्म और स्पर्म। जिम्नो मतलब नेग और स्पर्म मतलब सीड। ऐसे पादप जिनके अंदर बीज जो है अनावृत या नग्न अवस्था के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम नेट सीडेड या अनावृत बीजी पादप कहते हैं। एंजियोस्पर्म एंजियो और स्पर्म। एंजियो मतलब वेसल्स और केस और सीड का मतलब स्पर्म का मतलब सीड। एंजियोस्पर्म वह आवरण बीजी पादप हैं जिसके अंदर बीज जो है किसी आवरण के अंतर्गत सुरक्षित रहते हैं। अब हम आपको डिटेल्स में बीजों के वाले पादपों की क्या मुख्य लक्षण है उसके बारे में बताएंगे। निषेचित बीजाण को बीज कहते हैं। बीज वास्तव में एक भ्रूणीय पादप है जो कठोर बीज कवच से आच्छादित रहता है तथा भ्रूणीय पादप को प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। अनुकूल पर्यावरण अवस्थाओं में अंकुरण कर यह नवउद्भिद पादप विकसित करता है। कुछ बीजों में भ्रूणपोष में भोजन संग्रहित रहता है। ऐसे बीज भ्रूणपोषी एंडोस्पर्मेशियस कहलाते हैं, जैसे चिलगोजा और अरंडी आदि। कुछ पादपों में भी दूसरी श्रेणी के बीजों में भोज्य पदार्थ का संग्रह बीज पत्रों के अंतर्गत होता है। उन्हें अभ्रूणपोषी नॉन एंडोस्पर्मेशियस कहलाते हैं, जैसे चना आम आदि। बीजधारी पादपों के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। बीजधारी पादपों के सामान्य लक्षणों में नग्न बीजी, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पादपों के बीजों की निम्न विशेषताएं होती हैं। प्रथम, इन पादपों का बीजाण बीज में बदल जाता है। बीज उत्पन्न करने के इस गुण के आधार पर इन पादपों को बीजधारी पादप कहते हैं। इन पादपों के जीवन चक्र प्रधान पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। वर्तमान में बीजधारी पादप पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति के रूप में उगते हैं। ये पादप समनी होते हैं, अर्थात इसमें जाइलम व फ्लोएम तक पाया जाता है। ये पादप बीजधारी पादप सर्वव्यापी पूर्ण वर्ष में पाए जाते हैं, पूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। विश्व जनित पादप हैं, अर्थात ये शीतोष्ण टेम्परेट से उष्ण कटिबंधीय स्थानों पर वाली जलवायु में उगते हैं। ये पादप प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने को ढालने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण, इन पादपों की प्रकृति प्राय शाकीय हर्ब्स शूभ श्रब अथवा वृक्षीय प्रकृति के होते हैं। कुछ पादप इनमें आरोही क्लाइंबर्स के रूप में भी पाए जाते हैं। इनमें मूल तंत्र विकसित होता है। मूल में संवन पुल द्वि आदिदारुक से बहु आदिदारुक प्रकार का मिलता है। मूल का बाह्य आदिदारुक एग्जैक्ट कंडीशन होती है। एग्जैक्ट कंडीशन का मतलब होता है मेटाजाइलम सेंटर में
प्रोटोजोअन्स में परिधि की ओर पाया जाता है। मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है, इनका तना शाखीय या काष्ठीय होता है। इन पादपों में द्वितीयक वृद्धि मिलती है केवल एक बीजपत्री पादप में, एंजियोस्पर्म्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। आवृत बीजी के कुछ सदस्यों जैसे निटिल्स गण में तथा एंजियोस्पर्म्स के कुछ सदस्यों में जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। केवल हाइड्रिला में यह अनुपस्थित होती है। बीजधारी पादपों में विषम बीजाणुकता होती है, अतः इन पादपों में लघु बीजाणु या पराकण तथा गुरु बीजाणु अथवा बीजाणु उपस्थित रहते हैं। ये पौधे पुष्प धारण करते हैं जो एक रूपांतरित प्रो होते हैं। इन पादपों में बीजधारी पादपों में पराकण हवा द्वारा, परागण अभिक्रिया हवा द्वारा एनिमोफिलस, कीट द्वारा एंटोमोफिलस, जल द्वारा हाइड्रोफिलस या जंतुओं जूफिलस द्वारा होता है। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स पादपों में केवल वायु परागण पाया जाता है। इनमें नर युग्मक अचल होता है। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म्स साइकस में नर युग्मक चल प्रकार के होते हैं। इनमें निषेचन नालयुग्म साइफोनोगेमस प्रकार का मिलता है, अर्थात निषेचन प्रक्रिया में पराग नलिका का निर्माण होता है। इनमें नर युग्मोद्भिद अत्यधिक हासित होते हैं। इनमें गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है तथा यह इनके अंदर ही विकसित होते हैं रहते हैं। इनके गुरु बीजाणुधानी में भ्रूण का परिवर्तन होता है। इनमें बीजाणु अध्यावरण इंटेग्यूमेंट के द्वारा ढका रहता है। ये बीजाणु अंडाशय में नग्न अथवा अंडाशय भित्ति द्वारा ढके होते हैं। बीजधारी पादपों में साइकस का बीजाणु सर्वाधिक बड़ा होता है। इनमें भ्रूण विकास के दौरान निलंबक बनता है। बीज में बीजाणुद्भिद भ्रूण संचित खाद्य पदार्थ युक्त बीज पत्र मिलता है जो बीज चोल द्वारा ढका रहता है। बीज में बीज पत्रों की संख्या 1-2 एंजियोस्पर्म्स में या 2-5 या अधिक जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। बीजधारी पादपों के बीज लंबी अवधि तक सुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। बीजधारी पादपों में द्विगुणित की पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बीजों में विभिन्न दिशाओं में तीव्र गति से प्रकीर्णन के कारण ये पृथ्वी पर चारों तरफ फैल गए हैं जो इनकी एक अनुकूल प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। बीजधारी पादपों में पीढ़ी एकांतरण निम्न प्रकार से होता है। इनमें मुख्य पादप स्पोरोफिटिक मुख्य पादप इसके अंतर्गत जो है बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफिटिक प्रकृति का होता है।